आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ ब्रेड की रसमलाई। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और आप घर के ही कुछ सामान से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जितनी बनाने में आसान है उतनी ही खाने में टेस्टी लगती है। जब आप बनाकर इसे किसी को खिलाएंगे तो यकीन मानिए उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। जब आप मेरे इस मेथड से बनाएंगे तो इसमें ब्रेड का फ्लेवर भी नहीं आएगा और ये बिल्कुल जो बाजार में मिलती है ना छेने वाली रसमलाई बिल्कुल उसी की तरह लगेगी। इसे बनाने में मेहनत और खर्च दोनों ही बहुत कम लगते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यह अनोखी और टेस्टी रसमलाई कैसे बनती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में। रसमलाई बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को गाढ़ा कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके पहले से ही रखी हूँ। अब मैं इसमें दूध को डालूंगी। ये लगभग आधा लीटर दूध है, फुल क्रीम मिल्क है। आप पानी पहले इसमें इसलिए डाला ताकि ये तले में चिपके नहीं। जब भी दूध को गर्म करें तो इस तरह से पानी पहले डालें, उसके बाद फिर दूध को डालें। अब हम इसे उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। इस तरह से इसे चलाते हुए पकाएं। ये देखिए, ये हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। मैं इसमें मिल्क पाउडर का घोल बनाऊंगी, इसलिए मैं ये दूध निकाल रही हूँ। हल्का सा गर्म दूध में जब हम मिल्क पाउडर को घोलते हैं तो ये काफी अच्छे से घुल जाता है। अगर आप ज्यादा गर्म या ठंडे दूध में घोल बनाएंगे तो फिर मिल्क पाउडर में गांठ पड़ जाती है। ये देखिए, हमारा दूध उबल रहा है। अब हम ये जो दूध निकाले थे इसमें मैं इससे लगभग 3 चम्मच के करीब उसमें दूध पाउडर घोल करके तैयार करूंगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें इसे धीरे धीरे करके डालूंगी। अब इसे इस तरह से चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। मैंने दूध को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो 1 लीटर के करीब दूध ले लें और उसे सुखा करके भी गाढ़ा कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ 1/2 लीटर ही दूध यूज किया है, इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है इसे गाढ़ा करने के लिए। ये देखिए, ये अच्छी तरह से खुल गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। हम इसे ज्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि रसमलाई जो होती है वो ज्यादा मीठी नहीं होती है। हम इसमें बस 3 चम्मच ही दूध 3 चम्मच ही चीनी ऐड करेंगे। सॉरी, मैंने दूध कह दिया। ये देखिए, इसे हम इसी तरह से चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट तक उबाल लेंगे। आप इसे इसी तरह से चलाते हुए रहें, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा और हमारी रसमलाई जो है वो खराब हो जाएगी। आप चीनी इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी और भी इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए, हमारा दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। ये देखिए, लगभग इसे 5 मिनट हो गए हैं उबलते हुए और ये लगभग 20% सूख चुका है। अब हम इसमें बस 1 पिंच के लगभग कलर फूड कलर डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है। आप चाहें तो कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फुल क्रीम दूध लेने से होता यह है कि हम जो ये दूध सुखाने का प्रोसेस कर रहे हैं ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप नॉर्मल दूध लेंगे, लो फैट दूध लेंगे, तो उसे सुखाने के प्रोसेस में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ये देखिए, कलर डालने से इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप इसमें कलर की जगह पे केसर भी डाल सकते हैं दूध में भिगा करके। ये देखिए, हमारा दूध गाढ़ा भी हो रहा है। हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए और इसी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, लगभग 5 मिनट और हो चुके हैं और ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे और नहीं पकाएंगे, बस इतना तक ही रखेंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। मुझे ये इसे पकाने में लगभग 10 से 12 मिनट लग गए हैं दूध को गाढ़ा करने में। अब मैं इसे बॉल में निकाल लूंगी और ठंडा कर लूंगी। इसे ठंडा करने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए अब इसे और गाढ़ा ना करें। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम रसमलाई की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ काजू और बादाम को चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें डालूंगी। मैंने यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब खोया लिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो इसे डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे
इसे हल्का मीठा करने के लिए एक चम्मच के करीब मैं शुगर पाउडर डालूंगी। अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की भी स्टफिंग बना सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे रसमलाई में इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला है। और मैंने जो दूध गाढ़ा किया था उसमें भी आप चाहें तो इलायची का फ्लेवर या केसर या रोज एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मुझे रसमलाई का भी दूध जो है वो बिल्कुल सादा ही पसंद है, इसलिए मैंने यूज नहीं किया है। ये देखिए, ये हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम चलते हैं रसमलाई बनाने के प्रोसेस में। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब हम इसके कॉर्नर को इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। आप इस कॉर्नर्स को फेंके नहीं, आप इसका ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस को इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसकी रसमलाई बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर गर्म किया हुआ थोड़ा सा नॉर्मल दूध ले लिया है। अब मैं इसे इस ब्रेड के स्लाइस को इसमें इस तरह से सोक करूंगी और इसका जो भी एक्स्ट्रा दूध है इसे मैं इस तरह से निकाल लूंगी। आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करके निकाल लें। अब मैं हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा स्टफिंग को इस तरह से ले करके इस तरह से इसे पैक कर लें। इस तरह से पैक करके और इसे इस तरह से अच्छे से शेप दे दें। ये देखिए, ये बिल्कुल गोल शेप में आ गया है। अब हम इसे इस तरह से प्लेट में रखेंगे। फिर से हम इस तरह से ब्रेड को भिगाएंगे दूध में और इसका एक्स्ट्रा दूध है उसे हम निकाल लेंगे। फिर हम इसमें स्टफिंग को फिल करेंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से करते हुए बंद कर देंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए आप चिकना कर लें इसे। आप स्टफिंग जो है वो किसी भी चीज की बना सकते हैं। आप इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इसमें सिर्फ खोआ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पसंद के हो आप कोई भी स्टफिंग इसमें फिल कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल इसी तरह से सारे ब्रेड्स को इसी तरह से स्टफ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ इतने स्टफिंग में लगभग 6 रसमलाई तैयार किया है। अब मैं इसमें ये गाढ़ा किया हुआ दूध डालूंगी। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते थे जिससे मैं ये गर्म हो रहा था, लेकिन मुझे जो है रसमलाई का दूध बिल्कुल प्लेन पसंद है जैसा बाजार में मिलता है। अब हम इसे इस पर इस तरह से डालेंगे। आपको इसे जब भी खाना हो तो खाने के लगभग 3 से 4 घंटे पहले इसे इस तरह से बना करके फ्रीज में रख दें, उसके बाद इसे सर्व करें। ये देखिए, 4 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है। अब मैं इस पे थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर दूंगी। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। मैंने ब्रेड के गुलाब जामुन भी पहले वीडियो में बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो इस त्योहार के सीजन में आप भी इस मिठाई को बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।